मान लीजिए अभी तक क्या डिसीजन हुआ, क्या डिसीजन हुआ है आज ही आपको बैठ के सेट, क्या बात हुई? डीसी साहब और कमिश्नर साहब और डीजीपी साहब के जो उनके ऑर्डर थे उसके अकॉर्डिंग वो सारी डिमांड्स मांग गए, एग्री कर गए, और जैसे वो उन्होंने लेटर्स वगैरह हमें साइन करके दे दिए हैं, रिसीविंग दे दी है, अब आगे उनकी मर्जी, भगवान की मर्जी, जो चाहे वो। नहीं, सिद्धि का दर्जा जो आपने मांग लगाई थी उन्होंने वो अब वो डिपार्टमेंट का जो रूल है जिस तरह से पेपर वर्किंग चलती है। संस्कार हम कल सुबह करेंगे 12 बजे, बाकी सारी मांगे जो सीधा का दर्जा आपने मांगी लगाई थी वो कब तक? वकीलों का दर्जे का क्या है कि ये रिकमेंड करते हैं, वो मैंने पहले भी बताया था कि डीसी साहब के पास पावर नहीं होती, डीसी साहब अभी ऊपर खड़े थे, पावर उनके पास रिकमेंड करने की पावर होती है, तो वो रिकमेंड कर देंगे यहाँ से, और ऊपर भी हमारी बात हो गई है। जो अमृतपाल के ऊपर आपने कहा था पर्चा दर्ज करने, उसका क्या बना? अमृतपाल के लिए उन्होंने इंक्वायरी इमीजिएटली मार्क कर दी है, तो वो मेरी एडवोकेट से भी बात हुई, जो एडवोकेट अभी बुलाए थे हमने, तो वो इंक्वायरी में 1 या 2 दिन में उसका नाम कहते हैं डाल दिए थे। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए अभी तक क्या डिसीजन हुआ, क्या डिसीजन हुआ है आज ही आपको बैठ के सेट, क्या बात हुई? डीसी साहब और कमिश्नर साहब और डीजीपी साहब के जो उनके ऑर्डर थे उसके अकॉर्डिंग वो सारी डिमांड्स मांग गए, एग्री कर गए, और जैसे वो उन्होंने लेटर्स वगैरह हमें साइन करके दे दिए हैं, रिसीविंग दे दी है, अब आगे उनकी मर्जी, भगवान की मर्जी, जो चाहे वो। नहीं, सिद्धि का दर्जा जो आपने मांग लगाई थी उन्होंने वो अब वो डिपार्टमेंट का जो रूल है जिस तरह से पेपर वर्किंग चलती है। संस्कार हम कल सुबह करेंगे 12 बजे, बाकी सारी मांगे। जो सीधा का दर्जा आपने मांगी लगाई थी वो कब तक? वकीलों का दर्जे का क्या है कि ये रिकमेंड करते हैं, वो मैंने पहले भी बताया था कि डीसी साहब के पास पावर नहीं होती, डीसी साहब अभी ऊपर खड़े थे, पावर उनके पास रिकमेंड करने की पावर होती है, वो रिकमेंड कर देंगे यहाँ से, और ऊपर भी हमारी बात हो गई है। जो अमृतपाल के ऊपर आपने कहा था पर्चा दर्ज करने, उसका क्या बना? अमृतपाल के लिए उन्होंने इंक्वायरी इमीजिएटली मार्क कर दी है, तो वो मेरी एडवोकेट से भी बात हुई, जो एडवोकेट अभी बुलाए थे हमने, तो वो इंक्वायरी में 1 या 2 दिन में उसका नाम कहते हैं डाल दिए थे। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए अभी तक क्या डिसीजन हुआ, क्या डिसीजन हुआ है आज ही आपको बैठ के सेट, क्या बात हुई? डीसी साहब और कमिश्नर साहब और डीजीपी साहब के जो उनके ऑर्डर थे उसके अकॉर्डिंग वो सारी डिमांड्स मांग गए, एग्री कर गए, और जैसे वो उन्होंने लेटर्स वगैरह हमें साइन करके दे दिए हैं, रिसीविंग दे दी है, अब आगे उनकी मर्जी, भगवान की मर्जी, जो चाहे वो। नहीं, सिद्धि का दर्जा जो आपने मांग लगाई थी उन्होंने वो अब वो डिपार्टमेंट का जो रूल है जिस तरह से पेपर वर्किंग चलती है। संस्कार हम कल सुबह करेंगे 12 बजे, बाकी सारी मांगे। जो सीधा का दर्जा आपने मांगी लगाई थी वो कब तक? वकीलों का दर्जे का क्या है कि ये रिकमेंड करते हैं, वो मैंने पहले भी बताया था कि डीसी साहब के पास पावर नहीं होती, डीसी साहब अभी ऊपर खड़े थे, पावर उनके पास रिकमेंड करने की पावर होती है, तो वो रिकमेंड कर देंगे यहाँ से, और ऊपर भी हमारी बात हो गई है। जो अमृतपाल के ऊपर आपने कहा था पर्चा दर्ज करने, उसका क्या बना? अमृतपाल के लिए उन्होंने इंक्वायरी इमीजिएटली मार्क कर दी है, तो वो मेरी एडवोकेट से भी बात हुई, जो एडवोकेट अभी बुलाए थे हमने, तो वो इंक्वायरी में 1 या 2 दिन में उसका नाम कहते हैं डाल दिए थे। ठीक है, ठीक है।